जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हम ये एक सीआरटी टीवी को रिपेयर करेंगे। एक ये सीआरटी टीवी है, चाइना मेड सीआरटी टीवी है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कस्टमर की शिकायत ये है कि इसका साउंड नहीं आ रहा। तो अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये टीवी चालू है। अगर ये चालू है तो फिर इसको हम देखेंगे कि इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो पहले हम इस टीवी को चालू करके देख लेते हैं। तो पहले मैं इसकी जो मेन पावर की वायर है वो मैं इसकी लगा लेता हूँ। मैं इसकी पावर की वायर लगा लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं ये टीवी चालू है कि नहीं। तो ये मैंने इसके टीवी को चालू कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इसका पावर आ गया है। अभी ये डिस्प्ले के लिए कुछ देर के लिए रुकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसका डिस्प्ले भी आ गया। सही है क्या जी, इसका डिस्प्ले भी आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो मैं इसको खोलता हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं इसको खोल लेता हूँ अभी जी। तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है। अभी मैं इसकी जितनी भी वायरें हैं वो मैं इसकी निकाल देता हूँ, जो कि मेरे किसी अभी इस टाइम मुझे काम में नहीं आने वाली। तो ये मेरी आई की वायरें मैंने निकाल दी। अभी ये स्पीकर की वायरें मैं निकाल रहा हूँ, स्पीकर की वायरें निकाल ली है। और मैं अभी इसकी जो मेन पावर सप्लाई की वायर है वो भी निकाल दी है मैंने। इसके अलावा डिकासिंग की जो वायर है, डिकासिंग की ये जो डिकासिंग की वायर है ये भी मैंने निकाल दी है। तो मैंने जितनी भी इसकी फालतू वायरें थी जो मेरे अभी इस टाइम काम में नहीं आने वाली थी, मैंने वो सारे निकाल दिए। मैंने पावर की वायर इस वजह से निकाली थी क्योंकि इसका बटन जो है वो बटन में लगा हुआ है इसकी वायर, तो ये बटन की वजह से ये किट जो है हमारी फ्री नहीं होगी, तो इस वजह से मैंने इसको निकाला हुआ है। तो इसके लिए मैं अलहदा सा वायर यूज़ करूँगा। ठीक हो गया जी, इसके लिए मैं अलहदा सा वायर यूज़ करूँगा, वो मैं अभी इस पर लगाने वाला हूँ। ये देख लें, ये मैंने इसके साथ वायर भी लगा ली है अलहदा से पावर की। ठीक है, तो हमारा पहला फर्स्ट काम ये होता है कि हम पहले इसके स्पीकर चेक कर लेते हैं, भैया इसके स्पीकर सही है या इसके स्पीकर में फॉल्ट है। तो पहले हम इसके स्पीकर चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर को चेक करने के लिए आप लोगों ने इस मीटर को कंटिन्यूटी रेंज का रखना होता है। ठीक हो गया जी, तो मैं आप लोगों को फ्रंट में ही दिखा देता हूँ। तो मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा स्पीकर है और ये मेरे पास एक मीटर है। तो हम इसको अभी चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी, ये मीटर मैंने कंटिन्यूटी रेंज में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यूटी मोड में रख लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको कंटिन्यूटी रेंज में रख लिया है और अब हम इसको चेक करते हैं कि ये गोया हमारा जो स्पीकर है वो सही है या ख़राब है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम इसको चेक करते हैं और वो देखते हैं कि ये सही है ख़राब है। आप देख सकते हैं कि ये मीटर सही बता रहा। मैं आपको मीटर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लें। ठीक हो गया जी, तो मैं भी इसको स्पीकर के साथ लगाता हूँ, वो देख लें। ये देखें मीटर ये सही बता रहा है, ये इसका स्पीकर सही है। ठीक हो गया जी, अब मैं इसका दूसरा स्पीकर भी चेक कर लेता हूँ। ये इसका दूसरा स्पीकर है, अभी ये भी हम चेक कर लेते हैं, सही हो गया जी। तो अभी इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये देख लें, ये भी स्पीकर सही बता रहा है। ये देख लें आप, हमारे दोनों स्पीकर सही हैं। सही हो गया जी, स्पीकर हमारे दोनों सही हैं। अभी हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे आईसी के और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो हम इसकी आईसी के वोल्टेज चेक करेंगे, जो इसकी साउंड की आईसी है उसके वोल्टेज चेक करेंगे, बोया उसके अंदर तो फॉल्ट नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, जहाँ पर स्पीकर की वायर लगती है, जहाँ पर स्पीकर की वायर लगती है उसके साथ ही इसकी आईसी होती है, साउंड की आईसी। ठीक है जी, ये जो है साउंड की आईसी है, तो इसी के ऊपर हमें इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं, वो हम चेक करेंगे। तो मैं इसको पावर पे लगा लेता हूँ। सही है, मैंने टीवी को पावर पे लगा लिया है। अभी टीवी के अंदर करंट मौजूद है, तो ये टीवी अभी हमारा चालू हो गया है। तो आप लोगों ने मल्टीमीटर को सामने रखना है। सही है जी, आप वहाँ देख सकते हैं कि हमारा टीवी चालू हो गया है, हमारा टीवी चालू हो गया है। अभी हम इसका ये
इसके वोल्टेज चेक करते हैं आईसी के, सही हो गया जी। तो अभी हम इसके आईसी के वोल्टेज चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो आपको आईसी के वोल्टेज चेक करने के लिए आपको इसको 50 की रेंज पे रखना होगा वोल्टेज की, मल्टीमीटर की जो प्रोब है वो 50 पे रखनी होगी, 50 पे रखनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, सही हो गया। तो मैंने 50 पे रखा हुआ है और उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, सही है। तो मैं थोड़ी सी इसकी जो रोशनी है वो कम कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैंने इसको लगा लिया है, अभी हम इसकी आईसी का वोल्टेज चेक करते हैं, सही हो गया। तो आईसी के जो वोल्टेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आते हैं। आप लोगों ने ये ब्लैक प्रोब जो है वो आप लोगों ने इसकी बॉडी के साथ लगा लेनी है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देख लें, ये ब्लैक प्रोब मैंने इसकी बॉडी के साथ लगा ली है, आप लोगों ने भी इसकी बॉडी के साथ लगा लेनी है, सही है। तो मैं अभी इसके वोल्टेज आपको एक वन बाय वन चेक करके दिखाऊंगा, सही है जी। स्टेप बाय स्टेप हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि इसकी जो ये साउंड की आईसी है तो इसके लिए वोल्टेज यहाँ से आते हैं, सही है जी। ये देख ले, यहाँ से इसके वोल्टेज आ रहे हैं साउंड के, तो वो हम देखते हैं कि इसके वोल्टेज सही हैं या सही नहीं है। तो पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके जो साउंड के वोल्टेज है वो यहाँ से आते हैं, सही हो गया जी। यहाँ से होते हुए यह लाइन जा रही है, ये देख लें, ये इधर आ रही है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ रही है सॉरी। तो इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये जाके इस आईसी को मिल रहा है। तो अभी हम इसके आईसी के ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी साउंड की जो आईसी है उसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे, एक से दो वोल्टेज आ रहे हैं जो कि इसके इस आईसी को चलाने के लिए नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इसको 15 से 16 वोल्ट चाहिए होते हैं इस आईसी को चालू करने के लिए, ठीक है जी। 15 हो 12 हो फिर भी चल जाता, लेकिन ये एक से दो वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन ये हमारे वोल्टेज सही नहीं है। तो इसके पीछे साइड एक रजिस्टर लगी, इसके पीछे देख लेते हैं कि इसके वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख लें, यहाँ पर तकरीबन हमारे 12 से 13 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे सॉरी 12 से 13 वोल्ट के 8 से 9 आ रहे हैं, 8 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं हमारे 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट भी हमारे सही नहीं है क्योंकि हमें इधर 10 से 12 चाहिए, 10 से 12 से ऊपर होने चाहिए, 10 या 12 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए, कम होंगे ये नहीं चलेगी, 10 या 12 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए, ठीक है जी। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि 10 से 12 वोल्ट चाहिए इसको साउंड को चलने के लिए। तो ये वोल्टेज इसके मुकम्मल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस रजिस्टर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके वोल्टेज पूरे होते हैं कि नहीं। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही रजिस्टर निकाली है तो रजिस्टर बुरी तरह से जली हुई थी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर फटी हुई है अंदर से, बहुत हीट अप होके ये फिर जाके ख़राब हुई है, ये रजिस्टर हमारी ख़राब है। तो इसकी जगह पर हम दूसरी नई रजिस्टर लगाते हैं और ये रजिस्टर को चेंज करके हम देखते हैं कि हमारे ये साउंड का फॉल्ट हल होता है कि नहीं होता। तो मैं अभी इसकी रजिस्टर चेंज करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं, मैं अभी इसकी रजिस्टर लगाने लगाऊँ वो आप देख लें। तो मैं अभी इसकी रजिस्टर लगाने लगाऊँ, ये हम दूसरी रजिस्टर लेके आए हैं, ये लगाएंगे इसके साथ। तो मैं इसको अभी लगाता हूँ, आप देख रहे हैं, अभी ये मैं इसकी रजिस्टर चेंज करता हूँ, सही हो गया जी। तो मैंने इसकी रजिस्टर ये लगा रहा हूँ मैं, ये आप देख लें, सोल्डरिंग मार देता हूँ, दरअसल ये जो फॉल्ट था हमारा रजिस्टर का था, तो मैंने ये रजिस्टर चेंज कर दिए, ठीक है जी। तो ये मैंने रजिस्टर चेंज कर दिया, अभी मैं इसकी थोड़ी सी और भी सेटिंग अप कर देता हूँ क्योंकि इसकी जो प्रिंट है वो टूट गई है, तो हम प्रिंट को सही तरह से लगाते हैं,
ठीक हो गया जी। स्क्रीन को भी मैंने साफ़ कर दिया है, मैं स्क्रीन के साथ लगा रहा हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये लगा लिया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये वाले जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है जी, ये जो रजिस्ट्रेशन है मैंने ये चेंज कर दी है। ठीक हो गया जी, ये यहाँ से आ रही है, ये साउंड के पास जा रही है, ठीक है जी। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन चेंज कर दिया, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा टूटी हुई है ट्रैक, तो मैंने इसको बड़े करके सोल्डिंग लगाई है। और ये थोड़ा सा डायोड डिस्टॉल्ट रहा, तो मैंने इसको सोल्डिंग मार दी है, अच्छी तरह से चढ़ा दी है सोल्डिंग, ठीक है जी। तो मैंने इसको भी लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये रजिस्ट्रेशन थी जो मैंने इसको चेंज की है। तो मैंने अभी इसको चेंज कर दिया है, अभी इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं, और वोल्टेज चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा अभी आईसी के पास साउंड जो आ रहा है वो सही आ रहे हैं वोल्टेज या सही नहीं आ रहे। तो मैं पहले इसको चालू कर देता हूँ, अभी सप्लाई पे लगा लेता हूँ मैंने जी। तो दोस्तों मैंने इसको सप्लाई पे लगा लिया है, अभी हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, मैं वो इसके वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ, सही हो गया जी। तो मैं आपको इसके वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 50 की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी वोल्टेज सही आ रहे हैं, पहले हमारे वोल्टेज कम आ रहे थे, तो अभी हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं, ठीक है भैया जी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी वोल्टेज सही आ रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं, ये हमारी आई सी की जानब वोल्टेज आ रहे हैं। तो पहले हमारे जो वोल्टेज आ रहे थे वो यहाँ तक आ रहे थे, ठीक है जी। तो पहले हमारे वोल्टेज यहाँ तक आ रहे थे, ये 8 तक वोल्ट आ रहे थे, 8 वोल्ट तक आ रहे थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे 12 से क्रॉस हो रहे हैं, ये हमारे तकरीबन 14 से 13-14 वोल्टें आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। 13 से 14 वोल्ट मेरे अभी तक आ रहे हैं, 14 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो ये अभी हमारे साउंड की जो आई सी थी वो अभी चालू हो गई है, ठीक है जी। तो ये हमारे साउंड के वोल्टेज आ गए। तो अब हम इसको लगाते हैं, सारे को फिट करते हैं और फिर इसको साउंड चला के देखते हैं, ठीक है जी। तो मैं सारे टीवी को फिट कर लेता हूं और उसके बाद हम इसका मैंने इसे टीवी को तैयार कर लिया है, मैं इसके फ्रंट पे भी आ गया हूं। इसका अभी हम साउंड चेक करेंगे, इसके लिए हमें इसको मेन पावर पर लगाएँगे, टीवी को चालू करेंगे पहले। तो मैंने इसको टीवी को चालू कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये इसका साउंड आ गया है, लेकिन मैंने इसका साउंड बंद किया हुआ है। इसलिए मैंने बंद किया है कि अगर मैं इसको ज़्यादा देर चलाऊंगा तो यूट्यूब का मेरे पास कॉपीराइट का मैसेज आता है, तो कॉपीराइट का इशू है, तो इसी वजह से मैंने इसका साउंड बंद किया हुआ है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसका साउंड आ गया है, मैं आपको दोबारा इसको चेक करवा देता हूँ साउंड। तो यह देख सकते हैं कि मैंने इसका साउंड चला लिया है, क्योंकि इस पर मैं ब्लूटूथ चला रहा हूँ, तो ब्लूटूथ पे ये चल रहा है, ठीक है जी। ये आप देख लें, ब्लूटूथ पे मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है, ये देख लें, ये वाला मोबाइल मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ब्लूटूथ के साथ, तो वो चल रहा है। वो मैं आपको दोबारा साउंड चेक करवा देता हूँ। तो ये मेरा साउंड अब क्लियर है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे।